किसे भेजा? किसे भेजा? ओके, किसी ने भेजा गेट को। मैं देख रहा हूँ तीन जगह से मूव करते हैं, पहले एक जगह चर्च में जा रहे थे, फिर दूसरी जगह जा रहे थे, फिर तीसरी जगह जा रहे थे। ये चौथा चर्च है आपके लिए। मैंने कहा पहले अलग अलग चर्च में गए थे। हाँ यहाँ तक पहली बार आए थे, मैं देख रहा हूँ। ओके, बोली से दे दे दे। क्या नाम है तुम्हारा? विशाल, तुम्हारे सामने जो बड़े चल रहा है, क्या नाम है? बलवीर। बलवीर, बलवीर।
सुनना, तुम आए एक प्रॉब्लम को लेकर हो यहां। मैं तुम्हारे घर के अंदर दुष्ट आत्माओं को घूमते देख रहा हूं, तुम्हें सब बता रहे थे कि दुष्ट आत्मा है, जहां जहां तुम गए हो तुम्हें बताया गया है स्थान, लेकिन किसी के द्वारा ये काम नहीं हुआ है। तो जब तुम्हें बताया किसी ने, तो उसने इस विश्वास से भेजा है कि जब तुम प्रॉफिट के पास जाओगे ये दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राह पर चलता हूँ। तुम जिस प्रॉब्लम को यहाँ लेकर आई हो, तुम घर से निकलते टाइम एक ही बात कर रही थी कि प्रभु मैं जब वहां जाऊं तो मैं इसमें मुश्किल से जा पाऊंगी। जब तू बैठी थी गाड़ी में तभी तू यही प्रार्थना कर रही थी, तूने कहा प्रभु अगर प्रॉफिट से बात हो जाए तो मैं विश्वास करूंगी। लोग यही सोचते हैं कि शायद प्रॉफिट को मिलना, क्योंकि देखिए यहाँ की कलीसिया है, तुम्हारे साथ मेरा बड़ा क्लोज का रिलेशन है, बड़ी आसानी से तुम्हें मिलता हूँ, बड़ी आसानी से तुम्हारे साथ बात करता हूँ, लेकिन फेसबुक यूट्यूब से फॉलो करने वाले लोग इस आवाज को सुनने के लिए बेताब रहते हैं। बाइबल कहती है तुम नबी को नबी जानकर ग्रहण करोगे तो नबी का प्रतिफल मिलेगा, जब तुम रिलेशन में रहोगे तो बस रिलेशन में रहोगे, इससे ज्यादा और कुछ ना होगा। लेकिन किधर तुम जब तब से तुम्हें ये मैसेज मिला कि तुम्हें यहाँ आकर छूट करा मिलेगा तुम्हारी फैमिली को, तब से तुम बड़ी उतावली में थी कि कब वो दिन आए जब मैं प्रॉपर्टी से मिलूं। ओके, आज वो दिन आ चुका है जब तुम आजाद की जाओगी। ये तुम्हारी बात नहीं करती, ये गगन की बात है, गगन की बात है, गगन की सेकंड मैरिज है। हालेलुया, तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी भाभी इस बंदा से याद हो जाए। ओके गीता, तुम अपनी फैमिली का बोझ बहुत रखती हो, गीता मंत्र नहीं है घर में, पापा की टेंशन तुम्हें और भाइयों की टेंशन तुम्हें, तुम विश्वास करती हो प्रभु पर। गीता तुमने मुझे इंट्रोड्यूस तो नहीं कराया, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन आया और कौन कौन है, यही तुम्हारी बात थी। और वहां एक मरे हुए बच्चे को लेकर संडे के दिन जब मैं यहाँ तुम्हारे साथ लाइव कर रहा था ना, वो जो हॉल हमने लिया था वो 2 बजे खाली करना था, क्योंकि 2 बजे के बाद वहां प्रार्थना थी, और हॉल से निकलकर हम रोड पर आ गए, जैसे वो हॉल है ये रोड है, मैं रोड पर खड़ा था, मैं तुम्हें वचन सुना रहा था, और हमारे वहां पर अगर फ्रेंड मुझे बोलते हैं कि मैं डरा हुआ था कि प्रॉफिट जी रोड पर प्रचार करे जा रहे हैं, और वहां ही साखी रखा हुई 2 लेडीज थी वहां के थी वचन, और उनको सलिए से मारा गया बीजेपी वालों ने, वो तो मैं वहां तुम्हें प्रचार सुना रहा था जब मैं तुम्हारे साथ बातें कर रहा था वचन की। तो इससे पहले जब हमारी 12 बजे को मेरी एंट्री हुई हॉल में, वहां एक लड़की और उसकी मौसी फोटो लेकर आए बच्चे की, और वो कहते कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है ये बच्चा सीरियस है, ICU में है। तो मैं फोटो पर दुआ कर रहा था, मैंने कहा यदि प्रॉफिट हूं तुम्हें बता रहा हूँ, बाइबल से देख रहा हूँ, ये बच्चा जो है ये 6:30 को तुम्हें डॉक्टर कह देंगे कि नॉर्मल हो चुका है। बहुत मेजर दवाई है ये। जब मैं वहां भविष्यवाणी कर रहा था फोटो पर, ब्रेन कर रहा था, मसाला रिलीज कर रहा था, 2 बजे को हमारी प्रार्थना फिनिश होगी, हम लोग नीचे आकर खड़े हो गए, 12:30 को भविष्यवाणी हो रही, 2 बजे को हम लोग नीचे, में तुम्हारे साथ वचन सुना रहा था, जैसे तुम लोगों के साथ वचन फिनिश किया वो बच्चे की गड़बड़ी लेकर वहां पाइपलाइन पर आ गए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि बच्चा खत्म हो चुका है, वो तो बस इसकी बॉडी भी करनी है, 8-10 मिनट में ठंडी हो जाएगी, तुम ले जाओ इसे। उन्होंने क्या किया, जल्दी से सीधा मेरे पास आ गए, जैसे वो पाइपलाइन में खड़ा था मैं आत्मा में था, मैंने ऐसे हाथ रखा ले जाओ इसे, 6:30 तक ये नॉर्मल होगा। हालेलुया।
करके डालेंगे। आप देखना मुझे, जब वो बच्चे को घर में लेकर गए 6:37 में उन्होंने मुझे कॉल की, प्रॉफिट जी बच्चा अब होश में तो नहीं है लेकिन हाथ और पैर हिला रहा है। छोटी सी कॉलेज है लेकिन काफी उन्होंने एफर्ट किया, मेरी आदमी की बेटी संगीता और हमारा जो लड़का यहाँ आया था तो पार उन्होंने काफी एफर्ट किया और वहां दो फैमिली नहीं आई थी, एक लड़की दिल्ली से आई थी, मुंबई में एक जगह है वहां रुकी हुई थी, वो वहां से 1.5 घंटे की ड्राइव करके वहां प्रार्थना में, उसके लिए मैं भविष्यवाणी कर रहा था, सब कुछ होकर नीचे खड़े थे, मुझे एक कॉल आई, वो बंदा राजस्थान में है, वो प्रॉफिट गुजेंद्र को वीडियो देखता है, कॉल उसने मुझे कर दी, जब मुझे कॉल कर दी मेरी एक आदत है मैं दिखाने की बड़ी कोशिश करता हूँ, जब मैं स्टार्ट आदमी था मैं सिर्फ मैं सोना पहन के बड़ा दिखाता था, चार चार अंगूठियां पहनी, चेन पहनी, दिखावा करना, अब मेरे पास मसा है मुझे बड़ी आदत है दिखाने की, क्योंकि मेरे आत्मा पिता के वर्ड कहते हैं जी तुम में है तो तुम दिखा सकते हो, घुमंड करूं तो क्यों ना करूं, घुमंड करने की बात है, मैं एक ऐसे मनुष्य को जानता हूं जो ना जाने देश है ना जाने देर है तीसरे स्वर्ग तक उठाया गया, पाइपलाइन में खड़े थे बात कर रहे थे, इतने में जब मुझे कॉल आई तो मैंने कहा मैं भविष्यवाणी करूं तो करिए, तो ये 3-4 फैमिली खड़ी देख रही थी, कम से कम 15 लोग वहां खड़े थे, फ्रेडी उनको चाय पिला रहा था, मैं भविष्यवाणी करता, मैंने कहा मैं देख रहा हूँ तुम्हें, तेरा रंग सांवला है, तेरी हाइट 5 फुट 5.5 इंच करीब है, वो कहा जी बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा रंग तेरा सांवला बोता बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा नाक तेरा दिखा में बोता ठीक है, मैंने कहा छोटी छोटी दाढ़ी रखी बोता ठीक है, मैंने कहा एक निरंजन बात देख रहा हूँ तेरी दोनों टांगे सूखी हुई है, बोला हाँ 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 जी प्रभु जी, मैंने कहा तुम व्हील चेयर पे घूमते हो, मैं टांग में घूमता हूँ, मैंने कहा अब तुम व्हील चेयर पे नहीं हो, तुम अभी एक बिस्तर एक खाट पर बैठे हो, मंजे पे बैठे, मैंने कहा मैं देख रहा हूँ जिस बेड पे तुम बैठे उसके बगल में जहाँ तुम व्हील चेयर रखी है इसके बगल में एक दीवार है, दीवार के ऊपर हरा सा रंग का रखा है, वो तो प्रॉफिट जी बिल्कुल ठीक है, मैंने बोला अगर ठीक है ना तो यहाँ 15 लोग रोड पर खड़े हुए सुन रहे हैं इनको जरा वीडियो कॉल करके दिखाना, जैसे उसने वीडियो कॉल की बंदे की दोनों टांगे सूखी गई, व्हील चेयर पर बैठा और पीछे हरे रंग की दीवार थी, परमेश्वर के लिए जो लग रहते हैं ना वही मसा किए जाते हैं, आमीन। कहता मेरा कर्मी जन यदि 7 बार भी गिर जाए मैं उसे उठाकर खड़ा करने की सामर्थ्य रखता हूँ, वो तुम्हें उठा लेगा, वो तुम्हें खड़ा कर देगा, बस अलग रहना अलग रहना अलग रहना अलग रहना, ये सोना सोना ये सोना है ये गीता है और ये 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 ये, ये गीता है जो वो गीता है और ये बैठ बैठ और रखा संदनम उसी री री रीना री रीना है रीना Thank you.
कहें कि आपका खुदा जिंदा है तो प्रूव तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसका राज्य बातों में नहीं, उसका राज्य सामने कार्य में। एलिया ने कहा दूसरे नबियों को जिंदा खुदा है मेरा, है? किसी को पता कहां कहा था? कब एलिया ने दूसरे नबियों से कहा मेरा खुदा जिंदा है? माइक तेरे पास है? ओके, क्या हुआ वहां पे? मेरी बात सुन ध्यान से, कुछ बच्चे पढ़ने में बड़े इंटेलिजेंट होते लेकिन घर में उनका करैक्टर ऐसा होता, करैक्टर बोले तो बैड करैक्टर नहीं, मतलब शरारती होंगे जहां पर कुछ ऐसे लगेंगे माँ बाप को ये क्या करेगा, ये क्या करेगी, बिहेवियर उनका बिहेवियर ऐसा था, लेकिन पढ़ाई में इंटेलिजेंट अंचल देने में आगे रहते, तो फिर उनके ऊपर टीचर बड़ा खुश रहता है। यस, तो मैं एक बात और बता दूं, मुंबई में यूपी में यहाँ जहाँ यूपी में जाकर आया हूँ मैं यही कह रहा था, मैं तो टीचर हूँ, मैं तुम्हें होमवर्क दे दूंगा, होमवर्क करना तेरा काम है। मैं इसीलिए कहता हूँ माई गॉड इज माई गॉड, जब मैं बैठता हूँ उसकी उपस्थिति में वो मुझसे बातें करता है, जब मैं रोता हूँ उसके पास वो मेरे हाथ से पूछता है। तो तेरा परमेश्वर तुमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, अगर तुम ये कहते हो जिंदा खुदा मेरा है तो भाई प्रूव तो करना पड़ेगा। आज कौन से युग में चल रहे हो, पता कौन सी सदी में हो, कौन सी सदी में हो, 21वीं सदी में हो तो फिर इसमें तुम्हें मरे तो करना पड़ेगा, बिना चमत्कार नमस्कार नहीं हो सकता। हाँ भैया उतरना नहीं लियो, कब हुआ ये बात? माइक लेके जाना पड़ा, यहाँ खड़ी हुई रेड मैट पे खड़े हुआ करा था। एलिया नबी की शर्त लग गई 450 बाल ते वो अपने परमेश्वर को 4 दिन लिए पकड़ दिए। एलिया नबी कहते और उच्ची करो कि तेरा डब मेरे सुत्ता ना हो, वो अपने आप बांट दे एक बलात के बांट दे वो कुछ कर दे। एलिया नबी मतलब उठने लगा के खड़े हैं ते मतलब वो एक तरीके पे चढ़ाई हुई जीला मिश्रण का है ना, ते गिलियां लगनी है क्या होता ते आले दुआले होते ना खाई कोट के पानी वाया हमला, ते एलिया नबी गुटने पर आते कहते ये जीते परमेश्वर दी सौ अग्नि पर गिरो। थोड़ी सी नहीं, बहुत अच्छा जवाब दिया, बजाई ताली इसके लिए। गीता ने प्रभु को पुकारा, गीता प्रार्थना करती है, गीता बोलना जरा समाज में बोलना नहीं पता चलता है, गीता प्रार्थना करती है, गीता यहाँ आने से पहले प्रार्थना कर रही थी। मैं देख रहा हूँ गीता एक तो दो दो रूम है तुम्हारे घर में, ये सब कुछ नहीं, तुम इस रूम में बैठी हो, तुम इस रूम में बैठी घुटनों पर थी, तू हाथ तुमने जोड़ रखे थे, आंसुओं से आंखें भरी हुई थी, तब तू कह रही थी प्रभु यदि तू जिंदा है तो फिर मेरी पुकार सुन और मेरे घर में शांति ला। ये बात तुमने प्रभु से की है, ये बात परमेश्वर मेरे कान में डाल दी है। गीता आज का दिन तुम्हारा है, इस तरह बड़ी ये आज हाथ छोड़ी हाथ खुले Thank you.
Oh.
Hallelujah, 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 hallelujah